दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि कई दिनों से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल रोमांस के असली बादशाह यानी कि किंग खान शाहरुख खान को लेकर ये खबरें लगातार हम लोगों के सामने आ रही थी कि भाई बहुत जल्दी किंग खान अपनी आने वाली अगली फिल्म का कर देंगे ऐलान कि भैया वो पठान, जवान और डंकी के बाद कौन से फिल्म सिनेमा घरों में लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों किंग खान की आने वाली अगली फिल्म को लेकर जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ चुकी थी कि भाई उनकी आने वाली अगली फिल्म जो है वो होगी वो फिल्म जिसमें उनके साथ उनकी बेटी नज़र आने वाली हैं यानी कि सुहाना खान। तो दोस्तों किंग खान की आने वाली इस फिल्म को लेकर किंग खान ने ओपनली ये बात कह दी है कि अभी उनका जो फोकस है वो केंद्रित है आईपीएल के अंदर, यानी कि भैया आईपीएल में उनकी टीम कलकत्ता राइडर्स शायद नाम है। भाई मैं आजकल क्रिकेट थोड़ा सा कम देखता हूँ क्योंकि मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं रहा जब से इंडिया वर्ल्ड कप हार गई है। तो भाई कोलकाता राइडर्स के वो मालिक हैं और वो चाहते हैं कि आईपीएल जैसे समाप्त हो और कोलकाता का मैच मुंबई इंडियंस के साथ ख़त्म हो शानदार तरीके से, उसके बाद वो अपनी आने वाली इस फिल्म का काम शुरू कर देंगे जून के महीने से। यानी कि भाई जून के महीने से ये फिल्म फ्लोर पर चली जाएगी जो कि आपको अगले साल बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक एक्शन सीक्वेंस के माध्यम से दहलाएगी, थर्राएगी और अचंभित करेगी कि भाई खिलाड़ी कुमार से बेहतर एक्शन अब किंग खान कर रहे हैं। भले ही वो हार्नेस और ड्यूब के मदद से कर रहे हैं लेकिन कर तो वही रहे हैं, क्योंकि भैया खिलाड़ी कुमार का ओरिजिनल एक्शन लोगों को समझ में नहीं आ रहा लेकिन भाई वीएफएक्स वाला जो एक्शन है ना किंग खान का वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको किंग खान की आने वाली इस फिल्म यानी कि किंग का बेताबी से इंतज़ार है कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।